आपका स्वागत है निहार का कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मेरा नाम नीरज कुशवाहा है और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि टेली ईआरपी 9 कंपनी कैसे बनाते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे हम लोगों को लेजर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? लेजर बनाने होते हैं। तो लेजर कितने प्रकार के होते हैं, चलिए आइए हम लोग जानते हैं सब लोग कि लेजर क्या होते हैं और उनमें करना क्या पड़ता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिस्टम की ओर। तो ये हमारा सिस्टम है, ये ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारा टैली ईआरपी 9 है। क्या है टैली ईआरपी 9? आइकन है, इसको हमने डबल क्लिक किया और ये हमारा टैली ईआरपी 9 चालू हो गया। ये हमारा क्या हो गया, चालू हो गया। अब इसके बाद हमें जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। तो यहाँ से हम चले जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक नई कंपनी बनानी होगी जो मैंने आपको उस दिन बताया था। ये हमें अल्टी के साथ F3 और इसमें हमने कंपनी बनाई भी थी, देखते हैं है कि नहीं, तो इसमें हमारी कंपनी नहीं है तो हम फिर से न्यू कंपनी बनाएंगे। एस्केप से हम बैक हो जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे निहार का कंप्यूटर शॉप मुस्करा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपकी कंट्री आएगी, कंट्री स्टेट 210506 ये आपकी कंपनी बन चुकी है। अब इसे क्या करना है, आपको बैक करना है। बैक करने के बाद जैसे ही ये बैक हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक साइड गेटवे ऑफ टैली है और एक साइड आपके जो कंपनी है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है वो है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका ये मास्टर आ रहा है लिख के, तो इसमें क्या है, आपको जाना है अकाउंट इन्फो, अकाउंट्स इन्फो जो आपका लिखा हुआ है अकाउंट इन्फो पर जाना है। अकाउंट इन्फो पे आपके ग्रुप होता है, लेजर होते हैं, वाउचर टाइप होता है और यूनिट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या जाना है, क्वाइट होता है, तो यहाँ पर क्या जाना है, आपको लेजर पर जाना है। और लेजर पर देखो ये लेजर क्या होते हैं, जो टैली ईआरपी 9 होती है इसमें लेजर के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें लेजरों को बनाना होगा। इसमें एक चीज़ और है, लेजर से पहले क्या होते हैं, इसमें ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप, जो आपके 28 होते हैं। किस तरीके से, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ग्रुप। इसमें से आज बार 28 ग्रुप होंगे जो ऑलरेडी से बने होंगे। ये आप देख रहे हैं 28 ग्रुप हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट हुआ, आपका बैंक अदर डिफॉल्ट हुआ, ये आपका देखो ये कैपिटल अकाउंट है, कैश इन हैंड है, करंट असेस्ट है, करंट लाइबिलिटीज है ना। तो ये सारी चीज़ आपके क्या है, ग्रुप हैं, जो ये 28 ग्रुप होते हैं। ये देखिए इनकम डायरेक्ट होता है, इनकम इनडायरेक्ट होता है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्च है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या हैं, ग्रुप हैं। यानी कि इन ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपका प्राइमरी ग्रुप हो गया और दूसरा आपका सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में आपके इन ग्रुप 28 ग्रुपों को दो दो भागों में बांट दिया गया है। आपके प्राइमरी ग्रुप में इसको रख दिया है 15 और आपका जो है सेकेंडरी ग्रुप में रख दिए हैं 13। तो यानी कि 13 और 15 कितने मिलकर हो गए, 28 ग्रुप हो गए। तो इन 28 ग्रुपों को हम इसमें जो लेजर होते हैं इसमें किस तरीके से बनाते हैं, पहली बात तो हम लेजर को समझते हैं। जो हमारे लेजर होते हैं वो हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो हमें कंप्यूटर का लेजर बनाना है, कोई व्यक्ति हमसे पैसा ले रहा है तो उसका लेजर बनाना है, और किसी व्यक्ति को हमने पैसा दिया तो उसका लेजर बनाना है। यानी कि लेजर बहुत सारे होते हैं लेकिन ग्रुप जो होते हैं वो हमारे 28 ही होते हैं। तो जो आपके लेजर होते हैं, ये आपके लेजर इस तरीके से होते हैं, जैसे मान लो ये आपका क्या है, आपका जब जैसे ही आपने लेजर को ओपन किया, देखो तो हम जान रहे थे लेजर,
तो लेजर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है सिंगल लेजर और एक होता है आपका मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर की थ्योरी क्या होती है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। तो सिंगल लेजर की थ्योरी हमें बोलती है कि एक लेजर का निर्माण, सिंगल लेजर में हम सिर्फ एक लेजर का निर्माण सिर्फ हम एक बार कर सकते हैं, यानी निर्माण यानी हम बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही बार इसमें, यानी कि आप चाहो कि एक साथ हम दो बना लें तीन बना लें तो नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर से आप मल्टीपल लेजर में, मल्टीपल लेजर का मतलब ही आप समझ लो मल्टीपल, यानी कि बहुत सारे लेजर, और सिंगल लेजर यहीं पे यानी कि सिर्फ एक अकेला, तो यानी सिंगल लेजर में सिर्फ आप अकेले लेजर को बना सकते हैं और मल्टीपल लेजर में आप बहुत सारे लेजरों का निर्माण कर सकते हैं। तो सिंगल लेजर को कैसे बनाते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।